हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम क्रिश। तो गाइस कैसे हैं आप सब। सो आज मैं करने वाली हूँ मेरे एलिश बॉक्स की अनबॉक्सिंग एंड दिस इज़ द मे एडिशन, लाइक मे मंथ का एडिशन है। एंड आप लोग सोच रहे होंगे ये सीरियसली एलिश बॉक्स है या ये एलिश ही है। गाइस आप देख सकते हैं, सो ये इनका एनिवर्सरी एडिशन है मे, सो इसलिए इन्होंने पूरा बॉक्स का लुक चेंज कर दिया है। एंड आई लव दिस लुक यार, सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। एंड थोड़ा सा बोलते हैं ना कि हाँ चेंज हुआ है तो एकदम धमाकेदार वाला चेंज होता है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है माय वैनिटी, यहाँ पे एक लड़की फोटो है। सो लड़कियों के लिए तो एलिश बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड बॉक्स की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप इसमें अपने प्रोडक्ट्स ज्वेलरीज वगैरह स्टोर कर सकते हैं। लास्ट टाइम से लाइक जो एलिश एडिशन आता है उससे क्वालिटी बहुत बेटर हो गई है बॉक्स की, जिससे और ज़्यादा अच्छा है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा इसका कलर, जो पॉपअप कलर है। एंड सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, लाइक एक लड़की के लिए होता है ना ब्यूटी बॉक्स आता है, सेम ब्यूटी बॉक्स जैसा फीलिंग आ रहा है इसको देख के, बिकॉज इसमें लिखा है माय वैनिटी। यस सीरियसली। सो इसकी प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, इसकी प्राइस है 399 अगर आप 1 मंथ का प्लान लेते हैं तो। एंड उसी के अकॉर्डिंग आप लाइक 6 मंथ, 12 मंथ या 3 मंथ का प्लान लेते हैं तो आपके बॉक्स की प्राइस चीप हो जाती है। सो इसमें मिलते हैं 4 to 5 स्किन केयर एंड मेकअप के प्रोडक्ट्स लाइक इंक्लूडिंग। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग करना, बिकॉज मैं एक्साइटेड हूँ, एक मेकअप चॉइस आई थी उसी को लेके। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग मिला है वो है एनिवर्सरी एडिशन का कार्ड। सो इसमें लाइक टोटल वर्थ ऑफ प्रोडक्ट है 3319 के प्रोडक्ट्स, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो चलिए फिर एक के बाद एक प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। सो गाइस जो फर्स्ट प्रोडक्ट मुझे इसमें रिसीव हुआ है, सो दिस इज़ द इंटरनेशनल ब्रांडेड लिपस्टिक। सो इसमें शेड चॉइस अवेलेबल हो गई थी, 4 शेड्स थे, उसमें से आपको एक शेड चूज़ करना है। सो ये है गाइस टीना फेस वेलवेट ड्रीम स्टिक। सो इसके नेट अमाउंट है 1.5 ग्राम। सो दिस इज़ द लिपस्टिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूटी पाई सी, इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं इसे आपको बता देती हूँ, आपको दिखेगा नहीं शायद तक या। तो ये गाइस क्रुएल्टी फ्री एंड 100% वेगन। मैं इसे ओपन करके आपको बता देती हूँ मैंने शेड जो चूज़ किया, ये बहुत क्यूट सा लिपस्टिक है, मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी पैकेजिंग, बहुत ही क्यूट सी लिपस्टिक है। सो दिस इज़ द लिपस्टिक, जो कि और ज़्यादा अच्छी है। एंड आप देख सकते हो कितनी क्यूट सा कलर है, ऑरेंज भी नहीं है, लाइक न्यूडी काइंड ऑफ ऑरेंज कलर है इसका। एंड इसका कलर भी बहुत प्रिटी है। सो मैंने जो शेड चूज़ किया वो 03 स्टार। एंड इसको ओपन करके आपको बता देती हूँ। सो दिस इज़ द लिपस्टिक, देखा इतना क्यूट है। एंड इसका शेड उतना ही ज़्यादा प्यारा है। स्वेच करके आपको बता देती हूँ किस टाइप का जो है कलर है, बटरी यार, फुल बटरी है, लाइक लिखा हुआ है ना वेलवेटी स्टिक, फुल वेलवेटी लगा मुझे सीरियसली, बहुत अच्छे से ग्लाइड हुआ है। सो दिस इज़ द शेड, जो कि न्यूड पिंक एंड बहुत ही द सॉफ्ट सा कलर है इसका, मुझे बहुत प्रिटी लगा है। एंड आई लव दिस, मैंने ये चूज़ किया ये कलर। प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, इसकी प्राइस है 900 रुपीज़। एंड ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है बिकॉज ये इंटरनेशनल ब्रांडेड लिपस्टिक है। सो दिस इज़ द लिपस्टिक एंड ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इस बॉक्स का स्टार प्रोडक्ट है, कम्फर्टेबल वेलवेटी है एंड कलर बहुत अमेजिंग है यार, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग है। सो आई लव दिस फर्स्ट प्रोडक्ट, आई लव दिस। सो गाइस जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है, सो दिस इज़ द वॉतरे लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग डे मॉइस्चराइजिंग SPF 35 PA +++ वाइट एसेंस। बहुत लंबा चौड़ा नाम है। एंड वॉतरे का प्रोडक्ट मैं फर्स्ट टाइम जो है मुझे मिला है किसी बॉक्स में। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट एंड ये है गाइस SPF 35 के साथ, जो कि अभी के टाइम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप डे क्रीम कोई भी यूज़ करें उसमें SPF लेवल होना चाहिए, जो इसमें बहुत अच्छा लगा है मुझे। एंड फुल पैकअप पैक है, मैं इसे ओपन करके देखना चाहूँगी किस टाइप का है। आई लव दिस फ्रेगरेंस, बहुत अमेजिंग एंड रिफ्रेशिंग फ्रेगरेंस है। आई लव दिस, सीरियसली आई लव दिस, सीरियसली बहुत अच्छी खुशबू है। एंड ये ज़्यादा थिक मॉइस्चराइज़र मुझे लग नहीं रहा है, लाइक एकदम वो गर्मियों में जैसे थिक मॉइस्चराइज़र पसंद नहीं आते हैं लोगों को, लाइट लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। मैं इसे एक बार थोड़ा सा लेके देखूँगी, या बहुत ज़्यादा लाइट है, सीरियसली बहुत ज़्यादा लाइट है, थोड़ा सा जेल काइंड ऑफ है एंड क्रीमी है, बट थोड़ा सा जेली बेस्ड क्रीम है। मुझे इसकी फ्रेगरेंस अमेजिंग लगी है एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। एंड मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये लगी है कि ज़्यादा थिक मॉइस्चराइज़र नहीं है, मुझे ज़्यादा थिक मॉइस्चराइज़र इस समर्स में पसंद नहीं आते हैं यार, बहुत ज़्यादा स्वेटी काइंड ऑफ हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इसकी फ्रेगरेंस अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा लाइट है, आई लव दिस, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। इसमें 30 ग्राम का पैक रिसीव हुआ है एंड इसकी प्राइस है 1350 रुपीज़। एंड आई लव दिस प्रोडक्ट, बहुत अच्छा लगा है मुझे, स्मेल बहुत अच्छी है, प्लस SPF के साथ है, जो कि अभी के टाइम के लिए बेस्ट है एंड समर्स के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज लाइट मॉइस्चराइजर है। आई लव दिस, बहुत अच्छा है, छोटा सा अमाउंट है बट या आप कैरी कर सकते हो अपने बैग में भी अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हैं तो। सो सेकेंड प्रोडक्ट मुझे ये मिला है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा है, आई लव दिस। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट मुझे मिला है फ्रॉम कामाक्षी। सो ये अगेन स्किन केयर प्रोडक्ट है। सो ये है पम्पकिन एंड एवोकाडो फेस मास्क, या
प्रॉमिसिंग लग रहा है यार, एवोकाडो प्लस पम्पकिन, पम्पकिन बहुत अच्छी होती है हमारे स्किन के लिए एंड प्लस एवोकाडो और ज़्यादा अच्छा होता है। ओपन करके मैं देखूँगी बिकॉज ये पूरा पैकम पैक है। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट गाइस एंड ये है 30 ग्राम का पैक रिसीव हुआ है एंड ये फेस मास्क के कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन के लिए। सो ये मॉइस्चराइजिंग फेस मास्क है एंड हैंडमेड है एंड नेचुरल है। मैं इसे ओपन करके आपको बता देती हूँ, पाउडर फेस मास्क नहीं है, लाइक इंस्टेंट फेस मास्क है, लगाओ और वॉश कर लो। इसकी फ्रेग्रेंस हर्बल हर्बल काइंड ऑफ है। कलर मैं आपको बता देती हूँ, फ्रेग्रेंस तो आप ले नहीं पाओगे। सो दिस इज़ द कलर, स्किन कलर का फेस मास्क है एंड थिक फेस मास्क है एंड यह छोटा सा पैक है, आप ट्रैवल के लिए भी ले सकते हो। अगर आप समर्स वेकेशन के लिए जाना चाहते हो तो अभी एलिश सबसे बेस्ट है समर्स वेकेशन के लिए। प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, सारे बहुत ही ज़्यादा सही है। ये थर्ड प्रोडक्ट है जो मुझे रिसीव हुआ है, इसकी प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। इसकी प्राइस 650 रुपीज़ एंड अगेन बहुत ही ज़्यादा लाइक प्रॉमिसिंग लगा मुझे बिकॉज एवोकाडो एंड पम्पकिन फेस मास्क है तो इसलिए बहुत सही है एंड कामाक्षी के प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो थर्ड प्रोडक्ट मुझे ये वाला रिसीव हुआ है अगेन स्किन केयर। सो गाइस जो फोर्थ प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है, सो दिस इज़ फ्रॉम रॉरेस, आई थिंक मुझे नहीं पता चल रही। सो दिस इज़ द ब्लूबेरी शीट मास्क एंड ये गाइस नेचुरल स्किन केयर प्लांट से बना हुआ है प्लस सेंसिटिव एंड सॉफ्ट स्किन के लिए है। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट एंड इस टाइम समर्स के लिए शीट मास्क बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैंने आपको बोला ना, अगर आप कभी समर्स वेकेशन के लिए जा रहे हैं इस टाइम तो इस बार का लाइक एलिश आपके लिए थम्स अप है बिकॉज में सारी चीज़ें समर्स वेकेशन के हिसाब से है। सो शीट मास्क बहुत अच्छे लगते हैं मुझे बिकॉज वो बहुत अच्छा सा पॉपअप कर देते हैं, हमारे फेस को बहुत अच्छा रिफ्रेश कर देते हैं एंड ब्लूबेरी का शीट मास्क मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, लाइक ब्लूबेरी शीट मास्क। सो इसकी प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, इसकी प्राइस है गाइस 299 रुपीज़। अगेन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है प्रोडक्ट जो कि समर्स के लिए बेस्ट है, सो मुझे बहुत अच्छा लगा है। सो गाइस जो नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है एक सैम्पल साइज प्रोडक्ट है। सो दिस इज द ग्लोबल ब्यूटी सीक्रेट टर्किश डे क्रीम या वाटरमेलन एंड आर्गन ऑयल। सो ये प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है, दो छोटे छोटे ट्यूब मुझे मिले थे पहले भी, सो वो भी सब्सक्रिप्शन बॉक्स में रिसीव हुए। तो सो दिस इज़ द प्रोडक्ट, 30 ग्राम का पैक रिसीव हुआ है एंड इसकी प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, इसकी प्राइस है 120 रुपीज़। एंड बहुत अमेजिंग क्रीम है गाइस, सीरियसली मैंने दो ट्यूब खत्म कर दी बट फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा है एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छी लगती है मुझे एंड बहुत ही लाइट मॉइस्चराइजर है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। सो ये लास्ट प्रोडक्ट है जो मुझे रिसीव हुआ है, अगेन मुझे बहुत अच्छा लगा है ये प्रोडक्ट। छोटा सा है, सैम्पल साइज है बट आई लव दिस बिकॉज ये मैंने यूज़ किया है सो मुझे बहुत अच्छा लगा है। सो ये लास्ट प्रोडक्ट है हमारा। सो गाइस ये था मेरा आज का अनबॉक्सिंग वीडियो एंड इस मंथ का एलिश लाइक मेरी तरफ से थम्स अप है इसके लिए। मुझे टोटल 5 प्रोडक्ट्स इसमें रिसीव हुए, 4 स्किन केयर, 1 मेकअप एंड मुझे टोटल 5 प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे। मैं कोई एक ऐसे सिंगल प्रोडक्ट का नाम नहीं ले पाऊंगी कि मुझे वो अच्छा नहीं लगा है बिकॉज मुझे सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे। समर्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा बॉक्स है इस मंथ का, सीरियसली बहुत अच्छा है। एनिवर्सरी एडिशन है, थम्स अप। लाइक जो लिपस्टिक मुझे मिली है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी है। टोटल 4 जो स्किन केयर प्रोडक्ट मिले हैं वो तो अमेजिंग लगे हैं मुझे। तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगी आप इस मंथ का एलिश ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है एंड इस मंथ का एडिशन आपको कैसा लगा है। मैं इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाकर इसके चेकआउट कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो आपको करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड अगर आप मेरे वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो आपको करना है या बेल आइकन को हिट करके आप मेरे कोई भी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय, टेक केयर।